सलमान खान बिग बॉस के घर में एक दिन के लिए आए थे, एक्चुअली एक दिन के लिए आए थे, और एक दिन के अंदर अंदर ही सलमान ने टीआरपी को यहां से वहां तक एक अच्छा खासा शिफ्ट दे दिया था। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूं कि सलमान खान दोबारा घर के अंदर तो नहीं आने वाले, लेकिन हाँ, जहां भी वो जाते हैं लोग उनसे सुंबुल की बातें जरूर करते हैं। बट इस बार सुंबुल के साथ साथ सलमान ने प्रियंका को लेकर भी कुछ कहा है, और वो सुनकर प्रियंका के फैंस खुश हो जाएंगे। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस के घर के अंदर देखो जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छा गेम खेलने की, और एक्चुअली में भले ही हम बाहर बैठकर जज कर रहे होते हैं लेकिन इट इज नॉट एट ऑल इजी कि आप उस घर में रहो 24 घंटे सब अनजान लोगों के साथ और फिर गेम खेलो। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि फहमान हाल ही में स्पॉट हुए थे बाहर, और वहां पर उन्होंने कई सारी बातें की, काफी सारी चीजें कही है ना, डिस्कशंस हुए काफी कुछ, और उस डिस्कशंस में फैंस ने उनसे सवाल किया कि आप क्या कुछ कहना चाहोगे सुंबुल के गेम को लेकर, जिसके बाद फहमान ने कहा कि सुंबुल का गेम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खेल रही है, आग लगा रही है लड़की। जी हाँ, तो ऐसा फ्लाइंग किस जो है वो उन्होंने दिया, और वो फ्लाइंग किस बड़ा ही दिल पर जाकर लगा होगा सुमान फैंस के। फिलहाल मैं इस वक्त आपको बता देती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा ड्रामा है इसको बंद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि फहमान ने जब उनसे सवाल किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुम्बुल के अलावा, और या फिर सुम्बुल के गेम के अलावा अगर हम आपसे पूछें कि टॉप 3 में आप किसको देखते हैं, तो उन्होंने शिव और सुम्बुल का नाम तो लिया ही, जाहिर सी बात है दोस्त है, मंडली में है, साथ में है, शिव बहुत ध्यान भी रखते हैं सुम्बुल का, और शिव अच्छा खेल भी रहे हैं, शिव मेरे भी वन ऑफ फेवरेट्स हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने प्रियंका का भी जिक्र किया। चलिए आपको दिखाते हैं। मैं आपके हिसाब से विनर कौन है इस बार? टॉप 3 तो बता दो आपके हिसाब से जो लगता है। टॉप 3 देखो, चांसेस शिव के बहुत अच्छे हैं, सुम्बुल आई बिलीव विल रीच द फिनाले, उसके अलावा प्रियंका एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है, एंड उसके अलावा आई थिंक बस यार ये 3 मेरे लिए। आपने 3 पूछा था? हाँ, टॉप 3। संबुल का नाम नहीं लिया मैं आपने? अच्छा, ले ले प्रियंका बोला मैंने। अच्छा, बोला पहले है ना? हाँ, संबुल तो नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है। ये वही ना बात, दे ताली। सुंबुल तो नंबर 1 है, ये हुई ना बात, दे ताली। प्रियंका का जो जिक्र फहमान ने यहाँ पर किया, प्रियंका का जो जिक्र फहमान यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से किया वो फैंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। शी इज अ स्ट्रांग कंटेंडर, ये बात उन्होंने कही है, और प्रियंका के फैंस इस बात पर काफी खुश हैं। आपको इस पर क्या है कहना, बताइएगा।